हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी इतने घबरा जाते थे कि एक दिन जंगल में लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि या उमर अंत वज़ीउन रफ़ाक अल्लाह अंत ज़ालुन हदाक अल्लाह अंत ज़लीलुन अअज़्ज़ाक अल्लाह, तुम तो एक आम आदमी थे, तुम्हें अल्लाह ने इतनी शान दी, तुम तो भटके हुए थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम से हिदायत दी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया, अब तुम क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब दोगे अगर किसी को तकलीफ हुई। एक गवर्नर आए एम्स से मिलने के लिए, जब मदीने में आए तो उन्होंने पूछा कि भाई अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन का तो कोई महल नहीं, ये सादा सा मकान है। पता किया? उन्होंने कहा घर में नहीं है। मस्जिद में पता किया? उन्होंने कहा मस्जिद में भी नहीं है। एक आदमी मिला, उन्होंने कहा हजरत बाहर जा रहे थे, वो गवर्नर भी बाहर चल पड़ा। कहते हैं मैं आगे आया तो मैंने देखा कि एक दरख्त के साये में आधी धूप है आधा साया है, कच्ची ईंट मिट्टी की कच्ची ईंट पे उमर सर रख के सो रहा। वो गवर्नर खड़ा होके हैरान होके कहता है कि या उमर अदलता अमनता फनिमता, उमर तुमने अदल किया अमन कायम कर दिया इसलिए हम मजे की नींद भी सो रहे हो। एक हम है कि पहरे लगा के सोते हैं, क्योंकि हमने अदल नहीं किया। अगर हम अदल करते तो हमें किसी का क्या डर होता, किसी का क्या खौफ होता।